मुल्क मुलुक के जमनी इंतखाबात के नतज के ऐलान के बाद रद्दमल जाहिर करते हुए रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि नलगुंडा के लोग अब दो कोमट रेड्डी भाइयों पर यकीन नहीं करते। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने शायद अपनी शिकस्त की सूरत में सियासत छोड़ देने का दावा क्या होगा, लेकिन उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने मरकजी वजरा और कई अहम कायदीन को इंतखाबी मुहिम में शामिल किया, लेकिन उनकी हिकमत अमली यहाँ केसीआर का सामना करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन चाहे कुछ भी करें, तेलंगाना के लोग केसीआर के साथ हैं। उन्होंने कहा कि यह नतीजा इस बात की वाजे अलामत है कि अवाम केसीआर को कौमी सियासत में दाखिल होने और दिल्ली में अपना किरदार अदा करने को कह रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने कहा कि केसीआर अब से दिल्ली की सियासत पर तवज्जो मरकोज करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यह जीत कैडर और लीडरों की मेहनत का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होने पर रद्दमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन की अपनी गलतियों की वजह से उनकी पार्टी आज इस मकाम पर पहुंची है और अवाम ने उनके खिलाफ अपना वाज़ेह फैसला सुना दिया है।